प्यारे बच्चों, आज क्लास टेंथ मैथमेटिक्स के इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। विच टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18, 15 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यहां पे दिखाई दे रहा है कि 24, 21, 18, 15 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये एपी में भी है। तो एपी में है, इन्होंने कंफर्म कर दिया कि एपी में है। बाकी अभी हम कॉमन डिफरेंस से भी इसको क्लियर कर लेते हैं। और यहां पे पैटर्न देखने पे लग रहा है कि एक टाइम के बाद में नेगेटिव नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने पूछा कि विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, किस नंबर पर पहला नेगेटिव टर्म आएगा। तो इसके लिए पहले हम कुछ गिवन पार्ट इसके देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 24, हियर फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाई ए, ए इज इक्वल टू 24 एंड डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 21 माइनस 24, दैट इज इक्वल टू -3, डी इज इक्वल टू -3। अब इन्होंने फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात की है, तो नेगेटिव नंबर कभी भी आएगा तो वो जीरो से ग्रेटर होगा। तो लेट एनी टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। किसी भी एपी का हमने सपोज कर लिया कि एनी टर्म उसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। इट मींस एन इज लेस देन जीरो। यहां पर ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसका ध्यान रखेंगे। ए एन इज लेस देन जीरो। जब कभी भी क्वेश्चन में फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात आती है तो ए एन इज लेस देन जीरो, एंड वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन जीरो, एंड वैल्यू ऑफ ए इज 24 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री लेस देन जीरो। दिस गिव्स 24 माइनस 3n प्लस 3 इज लेस देन जीरो। मैंने माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। 24 प्लस 3 27 माइनस 3n इज लेस देन जीरो। लेस देन के सिंबल से डरना नहीं है। दिस गिव्स, ये हमने माइनस यानी नेगेटिव में जो टर्म है माइनस थ्री एन, इसको हमने साइड में ट्रांसपोज कर दिया। ये हो जाएगा 3n डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। दिस गिव्स, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और यहां पर होगा n। इसका मतलब क्या होगा कि n इज ग्रेटर देन 9, n की वैल्यू 9 से बड़ी होगी। तो n की वैल्यू अगर 9 से बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मींस n इज इक्वल टू 10। n से n की वैल्यू 9 से बड़ी है, इसका मतलब वो पहला यानी कि पहला नेगेटिव टर्म 10th नंबर का टर्म होगा। और इसके बाद 11, 12, 13 ये सब नेगेटिव मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट नेगेटिव टर्म 10th टर्म होगा। इट मींस 10th टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी। वीडियो पास करके इसका सॉल्यूशन नोट कर लेंगे और इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।